नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आज मैं आपको ठाट बिलावल के बारे में बताऊंगा कि बिलावल ठाट क्या है, व्हाट इज़ बिलावल ठाट, और उसमें कौन कौन से वो स्वर समुदाय हैं जो उसको ठाट बिलावल बना देते हैं। आज मैं ठाट बिलावल बताऊंगा आपको। ठाट कोई भी हो उसमें सात स्वर लगते हैं, बस इतना आपको कन्फर्म कर लेना और हमेशा हमेशा इस चीज़ को याद रखना, किसी भी ठाट में सात स्वर लगते हैं, चाहे वो शुद्ध स्वर हों, चाहे शुद्ध और कोमल मिला करके हों, शुद्ध और उसमें तीव्र भी मिला करके हो, लेकिन कुल मिला करके एक ठाट में सात ही स्वर होते हैं। अच्छा, तो ये ठाट चूँकि ये राग बिलावल है, इसमें भातखंडे जी ने सभी स्वरों को शुद्ध रखा है। अब ये बजेगा कैसे? जो एकदम से नए हैं, हारमोनियम बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं एक तरीका बताऊं इस ठाट के शुद्ध स्वरों को कैसे पहचानना है। यदि आप यहाँ से बजा रहे हैं और यहाँ से पहली काली से बजा रहे हैं, पहली वाइट से भी बजा रहे हैं और या पहली काली से बजा रहे हैं, तो आप पहले पहली बाइट से देखिए। कुछ लोग यहां से बजाते हैं, अब यहां से लेके पूरे सप्तक के आप स्वर गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी एक सप्तक के अंदर 12 स्वर होते हैं, 13 ये रिपीट होकर के सा आ गया। तो पहले मैं आपको किसी भी एक स्केल से यदि आपने सीख लिया है इस ठाट बिलावल को बजाना, तो आप चाहे पहली काली से बजाएं, दूसरी काली से बजाएं, चाहे दूसरी सफेद से बजाएं, तीसरी सफेद से बजाएं, चाहे चौथी काली, पांचवी काली, छठवीं काली, कहीं से बजाएं, एक्स वाई जेड, आपकी उंगलियां अपने स्थान पर ही जाएंगी, शुद्ध स्वरों पर जाएंगी, ठाट बिलावल के स्वरों पर जाएंगी। तो मैं पहले बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से आपने यहाँ तक गिनती कर लिया, ये 13 नोट्स हुए पूरा, ये सप्तक एक बन गया, मध्य सप्तक। मान लीजिए आप यहाँ से बजा रहे हैं, फिर मैं यहाँ से बजाऊंगा आपको, आप आराम से यहाँ से बजा सकेंगे। देखिए मैंने सुर बता दिए आपको, एक नंबर, दो, पूरे गिनना है, कोमल ओमल पहले सब गिनती करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो देखिए मैं अभी बजा रहा हूँ पहली सफ़ेद से, ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें 1, 2, 3 ये 13 नोट लिखे, ये 13 सप्तक के नोट लिखे हैं। इसमें 12 नंबर पे नी है और 13 नंबर पे सा रिपीट होके यही सा यहाँ पहुंच गया, तार सप्तक का सा, यहाँ से मेरा तार सप्तक शुरू हो जाता है। तो पहले आप कैसे बजाएंगे इसको, एक नोट पे सा, एक नंबर पे, दूसरा नोट खाली है और तीसरे पे रे है, देखिए आप यहाँ पे तीसरे पे रे है, चौथे पे कुछ नहीं है और ये पांचवें नंबर पे गा है, छठवें नंबर पे मा है, सातवें पे कुछ नहीं, आठवें नंबर पे पा है, नौवें पे कुछ नहीं है खाली है, दसवें नंबर पे धा है, ग्यारह नंबर खाली है और ये बारह नंबर पे नी आया है और तेरह नंबर पे पुनः ये सा आ गया, यहाँ से फिर रिपीट होके आ गया। तो आप कैसे बजाएंगे, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा। दोस्तों ये ठाट बिलावल की शुद्ध सरगम है, ठाट बिलावल में संपूर्ण स्वर शुद्ध लगते हैं, सात स्वर लगते हैं। अब मैंने आपको यहां से बजा के बता दिया यही, अब आप कोई आप चाहें कि आपको यहां से बजाना, आपको रियाज हर नोट से करना है, अब यहां से रियाज करना है तो यहां से कैसे बजेगा, यही क्रम रखना, आप इसको नोट कर लेना, अगर सा यहां यहां से मैंने इसको सा माना है तो फिर ये रे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 नोट पे फिर से गा आ गया और 6 पे मा आ गया,
अच्छा तो यहाँ से बजाएंगे सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। आपको आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे उस्ताद बने, आप हारमोनियम के अच्छे वादक बने, तो ऐसा थोड़ी कि मैंने यहाँ से सिर्फ रियाज कर लिया या पहली काली से कर लिया रियाज, पहली वाइट से मुझे बजाना आ गई शुद्ध सरगम तो मैं मास्टर बन गया। नहीं, आपको सारे नोट से ये सरगमों का रियाज करना पड़ेगा। शुद्ध पहली सरगम का पहला ये अलंकार कहिए या सरगम कहिए की बात है। तो मैंने देखो पहली काली से बजा दिया, यहाँ से पहली सफ़ेद से बजा दिया, अब मैं यहाँ से कैसे बजाऊँगा इसको। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, यहाँ से बज गया दूसरी सफ़ेद से। अब मैं दूसरी काली से बजाता हूँ इसी सरगम को, क्रम यही रहेगा। अगर मैं दूसरी काली से बजाऊंगा तो ये मेरा एक नंबर हो जाएगा, फिर एक नंबर लेके दो नंबर नहीं लेना, तीसरे नंबर पे आना, तीसरे नंबर पे रे है, फिर चौथे नंबर पे कुछ नहीं, पांचवें नंबर पे गा है, छठवें नंबर पे, क्रम वही रहेगा। देखिए दूसरी काली से सा सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, बज गया। अब यहां से बजाएंगे, हम यहां से भी बजाना है आपको। आपको रियाज करना है, हर स्केल से करना है और हर ठाट का रियाज करना है। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। अब मैं यहां से करूंगा रियाज इसका, अब F से करूंगा, F नोट से, यानी कि चौथी सफेद से। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। अब मैं तीसरी काली से करूंगा इसी सरगम को। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, तीसरी काली से हो गया। अब मैं इससे करूंगा जी नोट से इसी को। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। अब मैं चौथी काली से इसी सरगम को रियाज करूंगा, ऊंचा पड़ता जाएगा तो आपका रियाज भी हो जाएगा, आपके गले का रेंज भी बढ़ेगा। यदि आप ऊंचे स्वरों में सभी 12 में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए हारमोनियम बजाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप कितने ऊंचे गाने लगेंगे, यही फायदा है। तभी तो ये शुरुआत में सिखाया जाता कि आप 12 स्केल से रियाज करें। तो अब देखो मैं चौथी काली से इसी सरगम को बजा रहा हूं। पहले गला मिलाइए सा सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। अब इसके बाद आइए, अब मैं नोट ए, इसको ए बोलते हैं, अब ए से इसी सरगम को बजाऊंगा मैं। सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। अब मैं छठवें नंबर की सॉरी पांचवें नंबर की काली से बजाऊंगा इसी सरगम को। सा गला मिला सा सा रे ग म प द नि सा।
अब पांचवी काली से मैंने बजा लिया, अब मेरे पास सिर्फ एक नोट और रह गया रियाज के लिए, बी बी नोट। और यहाँ से अगर मेरा सफल हो गया प्रयास तो मेरा 12 के 12 स्वरों से मेरा रियाज पूरा माना जाएगा। अब देखो, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा। रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा। तो दोस्तों, मैंने अभी एक अलंकार रियाज करके बताया आपको, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 12 के 12 स्केल से सही मायने में आपको हारमोनियम वादक बनना है तो 12 के 12 स्केल से आपको रियाज करने पड़ेंगे। जैसे अब मैं बता देता हूँ आपको, और भी शुद्ध स्वरों के अलंकार पहले मैंने काफ़ी बताए, एक तो ये हो गया सारे गामा पदनी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, आप दूसरा ले लेना सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा, सा सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। मैं जो बता रहा हूँ उसको हर नोट से रियाज करना है आपको, इसलिए बता रहा हूँ। अभी मैं तो एक ही से बता रहा हूँ आपको, अगर इतना बताऊँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, हो नहीं पाएगा, 4 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा, सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, सा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा, सा नी दा पा मा पा मा गा रे गा रे सा। 300 ले लिए, अब 400 सा रे गा मा पा दा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा। 400 ले ली, अब 500 का सा रे गा मा पा धा गा मा पा दा नी मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा नी दा पा मा गा धा पा मा गा रे सा। बहुत ही अलंकार हैं रियाज के लिए, आपको जस्ट मैं एक आइडिया दे दिया। तो दोस्तों, आप हर नोट से आप इसका रियाज करें, आपको आपका राग बिलावल एकदम से पक्का हो जाएगा। उसके बाद राग बिलावल में मान लीजिए आपका कोई सा, आपको यहीं से बजाना आता है लेकिन कोई गाना यहाँ से बजाए जी स्केल से, जी मेजर स्केल से, तो आपको अगर स्केल बजाना नहीं आया होगा, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो आप कैसे गा पाएंगे। मान लीजिए ई नोट से बजा हुआ है कोई राग बिलावल का गाना, तो आपने यहाँ से सरगम का रियाज नहीं किया। अब यहाँ से शुद्ध स्वरों की सरगम सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा, सिंपल है। आप रियाज करेंगे, हर कुछ सीखेंगे। दोस्तों, मेरा ट्यूटोरियल यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, और तुरंत ही इसको ऑन द स्पॉट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।